हेलो फ्रेंड, अमिता क्लोथ आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम सूखे हुए नारियल से पिकॉक बनाना सीखेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक नारियल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके ऊपर लगाने के लिए ये ब्लू कलर का सनील का कपड़ा लिया है मैंने। इसकी जो बैक साइड हमें ये बनाना है, ये मैं गत्ते से, इस तरह का कोई भी आपके घर में गत्ता हो ये ले लेना है। इससे हमें इसका पीछे वाला हिस्सा ऐसे करके कट करना है। इस तरह ये मैंने कट कर लिया है। इस तरह ही मैंने गत्ते से इसके पंखों को भी कट किया है। ये हमारे जो इस साइड ऐसे करके लगेंगे, ठीक है। अब हमें सब हिस्सों को, इन पे हमें सनील का कपड़ा लगा लेना है। इस तरह अगर आपका नारियल कहीं से थोड़ा उभरा हुआ हो तो आप इसे ऐसे करके कट कर सकते हो। इसके बाद उसे वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। उसके बाद अब हम इस पर ऐसे करने के बाद ऐसे जहाँ तक ये हमारा सही आए, इसको ऐसे करके सुई धागे से इस पर हमें अच्छी तरह सिलाई करते हुए सही कर लेना है। सुई धागे से मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ये मैंने तैयार कर लिया है। देखो जो हमारे ये कट हैं गत्ते वाले, इन पे भी हमें सनील का कपड़ा पेस्ट कर लेना है। वो भी मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। इस तरह हमें इसकी एक साइड हॉट ग्लू गन लगाते हुए ऐसे से जल्दी लगा ले, नहीं तो ये बहुत जल्दी सूखती है। ऐसे लगाते हुए हमें इस कपड़े के ऊपर इसको ऐसे करते हुए पेस्ट कर देना है। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट कर देना है। इसकी बैक साइड हम कोई भी हल्का कपड़ा या इस वाले कपड़े को ही लगा सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप कैसा करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे यहाँ से कट कर देती हूँ। साइड लगा लिया है मैंने दोनों पंखों पे। अब इस साइड भी हमें इस तरह का ही लगा लेना है। मैंने तैयार कर लिया है। इसकी एक साइड से मैंने ये कट नहीं किया है। यहाँ पे मैं हॉट ग्लू गन लगा के अपने इसको ऐसे इस पर पेस्ट करना है, ठीक है। इसके भी मैंने दोनों साइड फिर भी लगा दिए। जैसे हमारे यहाँ से ये थोड़ा नज़र आया है, हमें यहाँ पे भी हॉट ग्लू गन लगा के अच्छी तरह बंद कर देना है। इस तरह करते हुए दोनों को आपस में मिला देना है। इससे हमारा ये अंदर वाला गत्ता दिखाई नहीं देगा। अब इसके बाद अब हमें इसकी मोर की गर्दन बनानी है। उसे बनाने के लिए हमें सनील का कपड़ा इस तरह रख लेना है। उसके ऊपर मैंने एक गत्ते से गर्दन कट की है, पिको की गर्दन की शेप देते हुए इस तरह इस पर रखते हुए इसे हमें यहाँ से ऐसे करते हुए टू पीस कट कर लेने हैं। ये मैंने गत्ते की हेल्प से दो पीस कट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको दोनों को ऐसे रखते हुए, दोनों सीधी साइड अंदर रखते हुए इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ऐसे घुमाते हुए पूरे ऐसे इसके यहाँ तक हमें घुमाते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये वो आपको लगा के दिखाती हूँ। देखो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है, पूरा सीधा करते हुए। अब इसके अंदर हमें फाइबर डाल देनी है, वो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। अंदर हमें फाइबर डाल देनी है। अच्छी तरह फाइबर डालते हुए इसके हिस्से में भी हमें फाइबर ही डालनी है, ऐसे करते हुए, जिससे यहाँ पे भी फाइबर आ जाए। इसमें हमें पूरे में अच्छी तरह भर लेनी है। अब हमें ये नारियल किया जौन सा हिस्सा हमारा छोटा है, इस साइड से, एक साइड से हमारा ये चौड़ा है, एक साइड से नीड़ा है, हमें इस साइड में ये गर्दन को ऐसे रखते हुए जहाँ पर हमें बिल्कुल अच्छी लगे लगाते हुए इसे यहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी है। घुमाते हुए पूरा राउंड
ऐसे करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ से पकड़ते हुए इसमें यहाँ पे एक ऐसे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसको हम पक्का कर लेंगे। ऐसे देखो ये गर्दन बिल्कुल सीधी है। अभी इसकी गर्दन इसमें जोड़ने के बाद अब इसमें हम पंख लगा देंगे, पीछे वाले भी और ये साइड वाले भी। ऐसे ये आप सुई धागे से भी लगा सकते हो, हॉट ग्लू गन से लगा सकते हो, ठीक है। मैं तैयार करके दिखाती हूँ। इस तरह अब हमें ये पेस्ट करने के बाद इसके पीछे वाले साइड पे इस तरह हमें मोरपंख लगा देनी है। पूरे राउंड पे ऐसे घुमाते हुए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। लगाते हुए हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। देखो इसमें मैंने पूरे पे मोरपंख लगा के पीछे से कंप्लीट कर दिया है। अब हमें इसके साइड वाले पंखों की थोड़ी डेकोरेशन करनी है, ठीक है। उसके लिए आप इसको ऐसे रखते हुए पंखों पे मैंने ये वाली लेस लगा दी है, ग्रीन कलर का डोरा लगा दिया है। अब इसकी इस साइड भी हमें डोरा लगा देंगे, ऐसे करके ऐसे करते हुए इसको लगा देंगे। दोनों पंख मैंने तैयार कर दिए हैं, इधर वाला भी इस साइड वाला भी। अब हमें इन पे फिर आंखें लगानी है। मैंने अब कागज़ से आंखें बनाई हुई है, ये वाले देखो बड़ी गत्ते से लेके मैंने इस तरह की बनाई है। इन्हें हम ऐसे करते हुए लगा देंगे। आपको लगा के दिखाती हूँ। अब हमें क्या करना है, इसका जो हमारा ये मुंह का नीचे हिस्सा वाइट कलर का होना चाहिए, तो मैंने ये बुकरम से कट कर लिए। इसको हम ऐसे करते हुए इस पर पेस्ट कर लेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हमें क्या करना है, मैंने एक सनील की इसी मैचिंग होते हुए एक पट्टी कट कर ली है। अब हमें ये यहाँ पंख से और इससे ऐसे ज्वाइन करते हुए इसको ऐसे पेस्ट कर देनी है, इससे हमारे पंखों को मजबूती मिलेगी। ऐसे करते हुए इसे हॉट ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर देती हूँ। अब इसको और भी सुंदर लगने के लिए हमें इस पर ऐसे करते हुए इस तरह गैप करते हुए इसी से लगा देनी है। अब सब कुछ तैयार होने के बाद अब हमें इसके नीचे की साइड यहाँ पे हमें इस तरह का गोल कोई भी ये ले लेना है, यहाँ पे लगा देना है। और जिससे ये अच्छा लगे हमें थोड़ा इस पर इस तरह का लेस लगा देनी है इसके ऊपर। मैं इस पर इस तरह की लगाती हूँ जिससे अगर ये नज़र भी आए तो अच्छा लगे। ये हमारा पिकॉक बन के तैयार हो गया है। मैंने इसकी गर्दन पे एक लेस यहाँ पे लगा दी, एक हमारे लड्डू गोपाल जी की जो माला होती है, एक माला इधर और एक नीचे की साइड लगा दी, एक लैस लगा दी है। ये पूरा इस मोर को आप बना के किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, अपने कान्हा जी के लिए भी दरबार में रख सकते हो और हम अपने लड्डू गोपाल को भी इस पर बैठा सकते हैं।